Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सबका इंडिया ट्यूब डिफेंस पे। वैसे तो 2018 इंडियन डिफेंस के लिहाज से काफी अच्छा गुजरा है, लेकिन 2019 इंडियन डिफेंस और मिलिट्री में क्या नए डेवलपमेंट्स लेके आने वाला है, इस वीडियो में हम उस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम स्पेशली इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में कौन कौन से नए डेवलपमेंट हो सकते हैं उस चीज को जानेंगे। अगर इंडियन डिफेंस स्पोक पर्सन की ट्विटर हैंडल की माने तो तेजस MK-1 का फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वो कुछ ही दिनों में होने वाला है, और एक बार तेजस MK-1 फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस को हिट कर जाता है तो उसके बाद जो इसका प्रोडक्शन लाइन है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। एक पैमाना सेट कर दिया जाएगा कि IAF की रिक्वायरमेंट ये है और इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्शन करना है, और एक बार जैसे ही ये पैमाना सेट हो जाता है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड LCA तेजस का जो पर ईयर का प्रोडक्शन रेट है उसे इंक्रीज कर पाएगी, और LCA तेजस MK-1 से बढ़ते हैं LCA तेजस MK-1A की तरफ। तो 2019 LCA तेजस MK-1A के लिहाज से भी काफ़ी संवेदनशील रहने वाला है, क्योंकि हेल और ADA मिलके 2019 में तेजस MK-1A वेरिएंट पे काम करने वाले हैं और इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। आपको इतना तो पता ही होगा कि तेजस MK-1A IAF की ज़रूरतों को देखते हुए इसके अवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को थोड़ा एडवांस किया गया है इसके प्रीवियस वर्जन के कंपेरिजन में, और इसके एडवांस अवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को देखते हुए ही IAF ने तकरीबन 83 तेजस Mk-1A का ऑर्डर प्लेस किया था। और जहां तक उम्मीद है, तेजस Mk-1A अपना फर्स्ट फ्लाइट 2020 के मध्य या फिर 2020 के एंड तक देख पाएगी। तो चलिए तेजस Mk-1A से तेजस Mk-2 की तरफ बढ़ते हैं कि 2019 Mk-2 के लिए क्या होल्ड करता है। तो तेजस Mk-2 के लिहाज से 2019 भी काफ़ी क्रुशियल रहने वाला है, क्योंकि 2019 में ADA की टीम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने तेजस Mk-2 का फाइनल डिजाइन रखने वाली है। और आपको बता दूं, तेजस Mk-2 तकरीबन 17,500 किलोग्राम कैटेगरी का मीडियम क्लास फाइटर है। ये भी एडवांस अवियोनिक्स से लैस होगा। जितने भी इंडिजिनस इक्विपमेंट्स थे या फिर सिस्टम थे जो कि तेजस Mk-1A में इम्प्लीमेंट नहीं किए गए, जैसे कि D-29 EW सूट, भारत का इंडिजिनस उत्तम ईसा रेडार और बहुत सारे अदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो कि इंडिया के इंडिजिनस सिस्टम थे, वो जो तेजस Mk-1A पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए उसे तेजस Mk-2 पे इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और जहां तक अनुमान है, इसकी डिजाइनिंग और स्ट्रक्चर कम्प्लीटली डिफरेंट होगा तेजस Mk-1A से। इसका जो विंग एरिया है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसमें एडिशनल कनार्ड भी लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से तेजस Mk-1A का जो बेसिक डिज़ाइन है उस डिज़ाइन से ये कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब यह है कि इसके डेवलपमेंट में थोड़ा टाइम लगने जा रहा है, क्योंकि बेसिक डिज़ाइन से स्ट्रक्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो मोस्ट प्रोबेबली 2022 या फिर 2023 के एंड तक आप लोग तेजस Mk-2 को उड़ते हुए देख पाएंगे। तेजस Mk-2 से हम बढ़ते हैं इंडिया के इंडिजिनस अनमैंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल UCAV की तरफ, घातक UCAV, जिसे घातक के नाम से भी जाना जा रहा है। और 2019 घातक UCAV के लिए भी काफ़ी क्रूशियल ये रहने वाला है, क्योंकि इसी साल ADA की टीम घातक UCAV के जो प्रोटोटाइप है उसके बारे में सोचेगी कि प्रोटोटाइप कब तक डेवलप करना है, और इसी साल घातक UCAV के जो प्रीलिम टेस्टिंग होगी जैसे कि विंड टनल टेस्टिंग और एल्टीट्यूड की टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग इसके एक स्केल डाउन मॉडल बनाकर करी जाएगी, और उस पर अगर ये सारी टेस्टिंग सक्सेसफुल होती है तो इसके प्रोटोटाइप का डेवलपमेंट किस तरह से होगा वो प्लान किया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं घातक UCAV से इंडिया के फ्यूचरिस्टिक फिफ्थ जनरेशन फाइटर की तरफ, जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जा रहा है, AMCA। तो 2019 AMCA के लिहाज से भी काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था AMCA के करंट स्टेटस के बारे में, तो AMCA के लिए 2018 में टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर मैन्युफैक्चर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ मीडिया रिलीज की थी, और उसकी वजह से कुछ प्राइवेट सेक्टर सामने आए थे जैसे कि LNT का डिफेंस विंग। तो AMCA के कुछ पार्ट्स डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स कंपनियां बनाएंगी, क्योंकि AMCA मॉडुलर अप्रोच के थ्रू मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो 2019 में अलग अलग तरह के जितने भी पार्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिफरेंट तरह के वेंडर्स की खोज होगी, और उन्हें AMCA का टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर बनाने का कार्यभार दिया जाएगा। बेसिकली दो टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर बनेंगे। पहले टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर बनने की डेडलाइन तकरीबन 4 साल है, आज से 4 साल तक है, और दूसरे टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर बनने की डेडलाइन तकरीबन आज से 6 साल तक की है, जो कि आप अभी इस टाइम लाइन में देख रहे होंगे। अगर AMCA इसी तरह मॉड्यूलर अप्रोच के थ्रू मैन्युफैक्चर होता रहा तो मोस्ट प्रोबेबली
2026 तक आप एमका को भी उसके फर्स्ट फ्लाइट के थ्रू उड़ते हुए देख पाएंगे। तो ये थे मेजर डेवलपमेंट्स इंडियन एयरफोर्स के लिहाज से आने वाले वर्ष 2019 में। अगर वीडियो पसंद आई गिव अस अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।